press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ड्रीम होम पर। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने घर के लिए सही ईंट की पहचान कर सकते हैं, मतलब कि आप कैसे अपने साइट पर जहां पर आपका घर बन रहा है वहां ईंट की क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि ये ईंट आपके घर के लिए सही है या नहीं। तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज हम बात करेंगे घर के लिए ईंटों की पहचान कैसे करें कि वो सही है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहली बात आती है कि ईंटों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो ईंटों का इस्तेमाल आप पार्टीशन वॉल बनाने या फिर लोड बेयरिंग वॉल बनाने के लिए करते हैं या फिर आप कुछ डिज़ाइंस निकालने के लिए भी कर सकते हैं, पर इन दोनों में ज़्यादातर आपकी ईंटों का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका घर मजबूत बने, तो एक अच्छी क्वालिटी की ईंट आपको मिले। तो उसके लिए आप कैसे उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, तो कुछ पॉइंट है उन पर ध्यान रख के आप ईंटों की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है साउंड टेस्ट, कि जब आप दो ईंटों को आपस में टकराएंगे तो उसमें आपको मेटेलिक टाइप का साउंड सुनाई देगा। जब भी आप दोनों ईंटों को एक दूसरे से टकराएंगे तो आपको एक आवाज़ आएगी, जैसे आप लोहे की कुछ चीज़ टकरा रहे हो वैसे आपका मेटेलिक साउंड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अगर ये जो साउंड इफ़ेक्ट है वो आपको नॉर्मल मिलता है तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, और अगर आपको ये इफ़ेक्ट नहीं मिलता है तो वो ईंट कच्ची है तो उसका प्रयोग आप ना करें। तो आप इसके माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि ईंट की क्वालिटी कैसी है। सेकंड चीज़ ड्रॉप टेस्ट, मतलब कि जब आप एक ईंट को 4 फीट की हाइट से अगर नीचे गिराएंगे तो अगर वो ईंट टूट जाती है तो वो काफ़ी ख़राब क्वालिटी की ईंट है। ऐसी ईंट का प्रयोग ना करें क्योंकि ये आपके घर के लिए काफ़ी ख़राब साबित होगी। तो 4 फीट की हाइट से आप नीचे गिराकर टेस्ट करें, अगर वो ईंट नहीं टूटती है तो आपके लिए परफेक्ट रहेगी। इसके लिए आप रेंडमली, मतलब कि कोई भी एक अपने ढेर में से कोई भी ईंट लेके इस प्रकार का टेस्ट आप कर सकते हैं। तीसरा कि साइज़ टेस्ट, मतलब कि जो ईंट होती है उसका एक जो साइज़ होता है स्टैंडर्ड साइज़, तो वो फिक्स साइज़ होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि 190 mm जो इसकी लेंथ होती है, 90 mm इसकी हाइट होती है और 90 mm ही इसकी विड्थ होती है। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, तो आप इस साइज़ का ध्यान रखते हुए कि इस साइज़ में ही ईंटें हों उसका कंप्लीट चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे अच्छा काम ये है कि आप अलग अलग लगभग रेंडमली कोई भी 20 ईंटें लेकर उन्हें एक लाइन में जमा कर इनका जो साइज़ है वो चेक कर सकते हैं, टोटल कितना हो रहा है उस हिसाब से। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, अगर ज़्यादा साइज़ डिफरेंट हो तो आप उन ईंटों का प्रयोग ना करें। चौथा है नमी टेस्ट, मतलब कि ये जो इसमें पानी सोखने की क्षमता होती है उसका, तो उसके लिए आप एक ईंट को 24 घंटे के लिए पानी में रखें और उसके बाद इसका वज़न टेस्ट करें। अगर इसका वज़न 20% से ज़्यादा बढ़ता है तो आपके लिए ये ख़राब साबित होगी, और 20% के अंदर ही इसका वज़न बढ़ता है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी ईंट साबित होगी। पाँचवा टेस्ट जो लवणता का होता है, मतलब कि पानी में रख के आप 24 घंटे के लिए ईंट को छायादार जगह में सुखाएं और इसके बाद आप उस पर साइड में देखेंगे जो उसकी किनारे होते हैं तो वहाँ पे अगर आपको वाइट कलर की अगर पूरी पपड़ी दिखती है या ज़्यादा दिखती है तो आप उस ईंट का प्रयोग ना करें क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और काफ़ी ख़राब क्वालिटी की साबित होगी। कलर के लिए आपको कंप्लीट वाइट में नहीं जाना है, थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए, बिल्कुल वाइट नहीं होनी चाहिए। सातवां टेस्ट जो आप अपने घर पर आराम से कर सकते हैं, किसी भी धारदार हथियार की टूल या फिर जो भी आप नाखून से खुरेज कर उसे देख सकते हैं, अगर उसमें आप आसानी से खुरेज पा रहे हैं और वो टूट रही है या उसमें स्क्रैच पड़ रहे हैं तो आप उस ईंट का प्रयोग ना करें, और थोड़ी हार्ड ईंट
जो ईंट होती है उसका ही प्रयोग करें। स्ट्रक्चर देखने के लिए आप ईंट को तोड़ें दो भाग में, कोई भी ईंट है उसको बीच में से दो भाग में तोड़ें और उसके अंदर की तरफ देखें कि अगर उसमें होल या क्रैक हो तो ऐसी ईंटों का प्रयोग ना करें, और उसमें होल क्रैक ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो उससे आप परफेक्ट ईंट मान सकते हैं। तो आशा करूँगा आपको ये छोटी सी जानकारी ईंटों के चुनाव में काफ़ी मदद करेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।